गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक बुक एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? हिंदी। हिंदी में हम क्या करेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे, पहले व्याकरण को पढ़ेंगे। तो व्याकरण में सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है यानी जो अध्याय होगा हमारा पहला क्या होगा, चैप्टर आप मान सकते हो, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, अध्याय हमारा फर्स्ट क्या होगा, संज्ञा। संज्ञा होती क्या है? ठीक है, तो देखो संज्ञा की मैं परिभाषा लिख रहा हूं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं संज्ञा किसी प्राणी कौमा वस्तु कौमा स्थान या भाव के नाम या भाव भाव के नाम को भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो पहला अध्याय था वो संज्ञा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किस किस को? किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो अब देखते हैं, हम इन सब के एग्जाम्पल लिखते हैं। प्राणी का मतलब क्या होता है, प्राणी में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। पहला जो मैंने लिया है प्राणी। अब प्राणी के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखो प्राणी में हो सकता है कोई भी हो सकता है, जैसे मोहन हाथी हाथी। ठीक है, और मोहन हाथी जो प्राणी है, जो जीवित है, जो व्यक्ति है, कोई भी नाम लिख सकते हो, मोहन राधा कृष्ण हाथी घोड़ा। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो प्राणी में, हर कोई प्राणी आ जाएगा। ठीक है, फिर है प्राणी आ गया अपना। प्राणी के बाद में हमने क्या लिखा था, वस्तु। क्या लिखी है? वस्तु। अब वस्तु है सारी क्या है, संज्ञा है। कोई भी वस्तु लिख लो, चौक लिख दो, डस्टर लिख दो, हर जो चीज है, जैसे कलम है, ये कलम है, कलम का मतलब पेन है, कलम हो गई, मेज हो गई, मेज का मतलब टेबल हो गई। ठीक है, मेज जिस पे अपन पढ़ाई करते हैं वो भी एक वस्तु है, हर वस्तु की आएगी। पुस्तक भी एक वस्तु है, पुस्तक है। तो जितनी भी वस्तु है वो सारी किस में गिनी जाएगी, जितने भी प्राणी है, सारे प्राणी जो हम देख रहे हैं, घोड़ा या हाथी, मोहन सोहन राधा कृष्ण, ठीक है, मछली, ये सारे जितने भी प्राणी है वो किस में आएंगे, संज्ञा में आएंगे। वस्तु में क्या होती है, जितनी भी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, टेबल कुर्सी चेयर फैन पंखा, ठीक है, ये सारी वस्तु है वो किस में आएगी, वस्तु है तो वो भी क्या होगी, संज्ञा होगी। फिर हम लेते हैं अगला, तो हमारा स्थान, थर्ड स्थान। स्थान में आता है, स्थान का मतलब कोई भी प्लेस जगह,
कोई भी जगह हो सकती है, जैसे जयपुर हो सकता है, जयपुर है, खेजरला भी बोल सकते हैं, ये भी एक प्लेस है, खेजरला भी प्लेस है, ठीक है। जयपुर, खेजरला, उदयपुर, दिल्ली, अमेरिका, कुछ भी जो जो भी स्थान का नाम है, जितने भी सारे स्थान का नाम है, वो भी क्या हुआ, स्थान भी क्या, एक संज्ञा है। फिर हमारा है भाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। भाव, भाव का मतलब इमोशंस होते हैं, वो क्या है, जैसे हमें कोई भी चीज कैसे लगती है, मिठास, ये भी एक भाव है, जैसे उसकी बोली में क्या है, मिठास है, भाव कैसा आ रहा है उसका, प्रिय बोलने वाला। फिर है गर्मी, गर्मी है, ठीक है, ये भी एक भाव है, ठीक है। दया, दया भी एक भाव है, इमोशंस है, सर्दी, गर्मी, क्रोध, दया, क्रोध, ठीक है। तो अब आप क्या करो, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो प्राणी में क्या आता है, जितने भी सारे प्राणी है, जीवित प्राणी, उन सब में मौन, हाथी, घोड़ा है ना, शेर, चीता, मछली, कुछ भी है, जो सारे क्या है, हम जैसे मैं अपना नाम ले लूं प्रकाश, मैं भी क्या हूं, एक संज्ञा है। फिर है वस्तु, वस्तु क्या होती है, जितनी भी सारी टेबल, कुर्सी, चेयर, फैन, मोबाइल, ठीक है, चौक, ये सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, ये भी क्या है, संज्ञाएं हैं। फिर अपना है स्थान, स्थान है जयपुर, खेजरला, बोरुंदा, ठीक है, बिलाड़ा, ये भी क्या है, सारे स्थान है, और स्थान क्या होते हैं, वो भी संज्ञाएं होती है। फिर है भाव, जैसे भाव है हमारा, जैसे दया, क्रोध, मिठास, गर्मी, सर्दी, ये भी सारे क्या है, भाव है, ये भी क्या कहलाएंगे, संज्ञा ही कहलाएंगे, ठीक है। तो आप संज्ञा की परिभाषा लिखो और इसके एग्जाम्पल लिखो फटाफट अपनी नोटबुक में। तो आपको समझ में आया होगा हमारा अध्याय था संज्ञा। संज्ञा कैसे कहते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी में मैंने आपको बता दिया था सारे जीवित प्राणी आ जाएंगे, वस्तु में सारी निर्जीव वस्तुएं आ जाएगी, स्थान का मतलब कोई जगह का नाम होगा, और भाव जैसे हमें कैसे भाव आ रहे हैं, इमोशन हमारे, जैसे क्रोध क्या है, क्रोध है, दया है, प्रेम है, ये सारे क्या है, इमोशंस है। इमोशन क्या आता है, ये भी संज्ञा में गिने जाते हैं, ये भी सारी संज्ञाएं हैं, ठीक है। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, गृह कार्य में, होमवर्क में आपको क्या करना है, इन सब के एक एक और उदाहरण लिखने हैं, उदाहरण लिखो, किसके उदाहरण लिखने हैं, इन सब के, इसके जो फर्स्ट है इसका एक आप एग्जाम्पल लिखो, सेकंड का एक एक एग्जाम्पल आपको ढूंढना है अपने मन से, जैसे आपको एक प्राणी बताना है, प्राणी का एक दूसरा एग्जाम्पल बताओ, वस्तु का कोई, इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल बताओ, स्थान का मैंने जो बताया है उसके अलावा एक और स्थान बताओ, फोर्थ है जो मैंने भाव बताए है, भाव में मिठास, गर्मी, सर्दी, दया, क्रोध, आप इसके अलावा एक और बताओ, प्रिंस आपको फोर एग्जाम्पल इनके बताने हैं, और ये जो इसकी परिभाषा है वो याद करनी है संज्ञा की, ठीक है। तो जो आज की अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।